मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नायरन पार्ट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मेरे व्लॉग्स को आप पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें, सपोर्ट करें मेरे व्लॉग्स को, बहुत सारा प्यार दीजिए। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं अपना। आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी व्लॉग्स बनाने का मन भी करता है और पॉसिबल भी लगता है। तो गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, नायरा गई हुई स्कूल। बस थोड़ी देर में उसको लेके आऊंगी और उसके पापा गए हुए हैं अपने काम पे, पार्थ सोया हुआ है। तो मैं अब फ्री हुई हूँ जस्ट, और मैंने ब्लॉग बनाना अब स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो गाइज, आज मैंने बनाए हैं मटर, जो कि मैदे से बनते हैं। और अगर मेरे पापा ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे और जब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि मैंने कुछ तो बनाया उनके लिए, मतलब बच्चों के लिए। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ बनाएं और बच्चों को खिलाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मटर कैसे बनाए हैं। तो गाइज, ये बनाए हैं मटर शाम के स्नैक्स के लिए। चाय वगैरह जब पीते हैं तो नमकीन बिस्किट खा के बोर हो जाते हैं और जल्दी खत्म हो जाती है नमकीन, फिलाने के लिए सोचते रहो सोचते रहो। तो मैंने मैदा मंगा रखा था इस राशन में और मटर बना के रखे हैं बच्चों के लिए। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं और मैंने टेस्ट भी किया था, खाने में भी अच्छे लग रहे थे। तो ये रे मटर जो कि मैंने शाम के लिए बनाए, बच्चे और बड़े कोई भी खा सकता है। तो गाइज, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि आज मैं फ्री हूँ और मेरे मन में आ रहा है कि मैं अपने भाइयों के ऊपर प्रैंक करूं। और प्रैंक ऐसा वैसा नहीं, प्रैंक करूं कि जबरदस्त वाला प्रैंक, कि दोनों मेरे भाई रहते हैं पंजाब लुधियाना, मेरा भाई का लुधियाना का है, जो मेरे पिछले ब्लॉग देखते आए हैं उनको पता है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो गाइज, मेरे दोनों भाई अनमैरिड है और दोनों में से छोटे हैं, तो मैं उनके ऊपर ये प्रैंक कर सकती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ एक अननोन सिम का, एक अननोन नंबर का, कि जो मुझे एक नंबर मिल जाए, उन दोनों के ऊपर मैं प्रैंक कॉल करने वाली हूँ, उनके साथ मैं फ्लर्ट करने वाली हूँ। ब्लॉग के साथ आप बने रहिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अरेंज कर पाऊँ एक दूसरा फोन और मैं उनके ऊपर एक प्रैंक कॉल कर सकूँ और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, वो उस लड़की से कैसे बात करते हैं और क्या क्या चीज सोच सकते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, कहाँ से आ गया नंबर उनके पास। तो देखते हैं गाइस क्या होता है ब्लॉग के अंदर। और मेरे भाइयों का रिएक्शन जरूर देखना आप लोग। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, आपको आज बहुत मजा आने वाला है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे फटाफट फोन मिल जाए एक और मैं एक प्रैंक कॉल अपना स्टार्ट कर सकूं। तो गाइस, मिलते हैं फिर आगे और आप वेट कीजिए मेरे प्रैंक कॉल का। तो गाइस, मैं नायरा को स्कूल से ले आई हूँ उसके स्टॉप पे जाके। और ये आ गई नायरा। नायरा कैसा क्या दिन आज का? अच्छा। तो गाइस, घर के कपड़े पहन के जाने। कब? कल। अच्छा, कल क्या फंक्शन है? हाँ। अच्छा, पेपर कैसे गया आज का? जो मैम ने रिवीजन कराई क्लास में, अच्छी गई है। तो गाइस, नायरा स्कूल से आ चुकी है। देखो, आते सार मटर में लग गई। मैंने कहा था ना आपको कि नायरा और पार्थ को मटर बहुत पसंद है इनको खाने, तो इनको अच्छा लगा। पूरा डब्बा मत लेना बेटा, फिर झूठा हो जाएगा, है ना? उसमें दे देती हूँ कोली में, ठीक है? कोली के अंदर दे देती हूँ। कैसे लगे नायरा मटर? कैसे लगे मटर? अच्छे लगे? और हाँ, कटोरी ला रही हूँ, यहाँ कटोरी लेके आ रही हूँ। तो गाइज, हमारा लंच वगैरह सब हो चुका है और मैं हो गई हूँ फ्री। और हम लोग करेंगे अब प्रैंक। ये प्रैंक कॉल होने वाली है मेरे दोनों भाइयों के ऊपर। तो देखते हैं वो फोन रिसीव करते हैं नहीं करते। और मुझे मिल चुका है फोन, ये फोन दुकान से ले आए थे अपनी। तो इसमें है सिम, इसमें जो सिम है वो यहाँ की है और यहाँ की इस सिम के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, किसका नंबर है, कहाँ से कॉल हो रही है। तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। तो गाइज, मैं शुरू करती हूँ आज की प्रैंक कॉल अपने बड़े भाई के ऊपर। तो उसको कॉल मिलाती हूँ और देखते हैं क्या बात होती है। तो गाइज, मैं मिला रही हूँ उसको कॉल और वो अपने काम पे गया होगा। तो देखते हैं वो कॉल रिसीव करता है या फिर नहीं करता। तो गाइज, कॉल जा रही है। तो गाइज, कॉल जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा है फोन, क्योंकि वो ऑफिस में चला गया है अपने। कॉल जा रही है, उठा नहीं रहा गाइस। इसको लगता है हमें दोपहर थोड़ी देर में करना पड़ेगा। गाइस, कॉल गई है, इसने फोन उठाया नहीं है। तो इसको थोड़ी देर में करते हैं, फिर मैं दूसरे भाई को कॉल करती हूँ अपने। ये तो पक्का उठाएगा कॉल, क्योंकि फोन इसके पास ही होगा। कॉल जा रही है गाइस। डर लग रहा है गाइस। कॉल पे कॉल जा रही, उठा नहीं रहे दोनों के दोनों। पता नहीं कहाँ बिजी है।
गाइस मजा आने वाला है, देखते क्या रिएक्शन रहता है किसी लड़की से बात करेंगे तो। गाइस इन्होंने कॉल नहीं उठाया, दोनों में से किसी ने नहीं कॉल नहीं उठाया। और दोबारा कॉल करती हूँ इनको, छोटे वाले भाई को दोबारा कॉल करती हूँ। हेलो हेलो, कौन? हेलो वीरू, आप वीरू राठौर बोल रहे हो? है बोल से सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, मैं आपको हर रोज देखती हूँ आपको। हेलो हेलो, कौन बड़ी? मैं तो मुस्कान बोल रही हूँ। हेलो, नहीं मैं दिल्ली से नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं आपके मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं घुमार मंडी में रहती हूँ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा तो मैं मुस्कान बोल रही हूँ, मैं आपको हर रोज देखती हूँ। आपकी बहन आपको आई लव यू बोलती है? नहीं, भाई बहन में बोल सकते हैं, लेकिन कौन बड़ी? मैं मुस्कान, मुस्कान शर्मा। हेलो, काटना मत, काटना मत कॉल। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ पार्क में। आप तैयार हो मिलने के लिए? तो आप बाइक को साइड में खड़े कर दो ना प्लीज जान। कौन बोल रहे हो? मैं मुस्कान शर्मा बोल रही हूँ, मुस्कान शर्मा। आप कौन बोल रहे हो? आप विधु राठौर हो ना? तो मैंने आपके बारे में तो ऐसे तो नहीं सुना था कि आप किसी लड़की को डिसरिस्पेक्ट करते हो। फोन काट रहा हूँ, फोन काट रहा हूँ बोल रहे हो। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ पार्क में। आप तैयार हो मिलने के लिए? फिर मैं आपको कल बताती हूँ फोन करके, या अभी आप मिल सकते हो? अच्छा, आप फ्री हो मिलने के लिए? हेलो, आप बाइक खड़ी कर दो साइड में, बाइक साइड में खड़ी कर दो आप। मैं मुस्कान शर्मा, मैं तो जानती हूँ आपको। तो गाइस कॉल काट दी है, गाइस कॉल कट चुकी है, और बहुत मजा आया। और वो समझ ही नहीं पाया, वो बार बार पहचान रहा था कि मैं उसकी बहन बोल रही हूँ। उसको आवाज कुछ कुछ मिलती उलती लग रही होगी, क्योंकि मैं मुंह ढक के नहीं बोलती, मैं नॉर्मली बोल रही थी। तो उसको हल्का फुल्का डाउट तो हुआ, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाया, और वो उसने गुस्से में फोन काट दिया है। तो गाइस बड़ा मजा आया मेरे को कॉल करके, और वो मिलने के लिए तैयार है। सोचो कि वो क्लियर करेगा कि कौन बोल रहे हो, उसको क्या दिक्कत है, मतलब मेरे से या मुझे से क्या दिक्कत है। वो मिलने के लिए तैयार था, लेकिन उस वे में कि कौन कौन मिलना चाह रहा है मुझसे, मैं जानता नहीं, फिर भी मिलना मुझे फोन कर रहे हैं उस वे में। तो गाइस बड़ा मजा आया मुझे ये प्रैंक कॉल करके। तो गाइस एक भाई से तो बात हो चुकी है, जो कि आपने देख लिया है। अब मैं करने वाली हूँ दूसरे भाई को फोन, और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो उसको दोबारा कॉल करते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में है तो फोन वो मुश्किल से उठाता है। तो एक बार ट्राई करती हूँ दोबारा से।
कि फोन उठा ले वो और मेरी बात हो जाए और मेरा प्रैंक सक्सेसफुल हो जाए। तो गाइस देखते हैं, और वो बहुत शाई नेचर का है तो पता नहीं, शायद वो फोन रिसीव करके तुरंत ही काट दे गलत आवाज सुन के। तो गाइस कॉल जा रही है। कॉल जा रही है गाइस। वो ऑफिस में ना वर्क कर रहा होगा तो उठाता नहीं जल्दी से फोन, वैसे भी नहीं उठाता गाइस वो। जब वो लोग ये लोग वीडियो देखेंगे ना तो उन बड़ा मतलब गुस्सा करेंगे या तो बहुत हंसेंगे, दो में से एक काम होने वाले मेरे ऊपर। उठा नहीं रहा गाइस, और अननोन नंबर तो वैसे ही नहीं उठाता, बिल्कुल नहीं उठाता अननोन नंबर, फिर से नहीं उठाया गाइस उसने। तो अब देखते हैं, दोबारा कॉल करती हूँ एक बार, अगर अब नहीं उठाया ना गाइस तो फिर हम लोग रात को करेंगे, शाम को 6-7 बजे वो फ्री होता, शाम को करूंगी फिर कॉल मैं। आज तो प्रैंक करके ही रहेंगे हम। नहीं उठा रहा गाइस, नहीं उठा रहा, बिजी होगा अपने काम में, इसको शाम को ही कॉल करनी पड़ेगी 7 बजे के करीब। कॉल जा रही है गाइस, नहीं उठा रहा, अभी भी नहीं उठाया गाइस। तो गाइस इसको फिर शाम को कॉल करते हैं 6 या 7 बजे के बीच में, तब मैं व्लॉग बनाऊंगी गाइस। तब तक के लिए देखते हैं कि क्या हो सकता है, अगर दोबारा कॉल उठाई इसने, दोबारा कॉल करी तो मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी उस वक्त। तो गाइस शाम हो चुकी है और अब जो बड़ा भाई जो रह गया था प्रैंक करने के लिए, मैं उस पर प्रैंक करने जा रही हूँ। मुझे अब वक्त मिल रहा है क्योंकि पार्थ बिल्कुल मतलब सेटअप करने नहीं दे रहा था, बीच में बहुत आवाज़ें निकाल रहा था, मैंने 2-3 बार रिटेक लिए लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो उसको छोड़ के आई हूँ और फिर अब कॉल करते हैं उसको। तो गाइस मैं कॉल करने लगी हूँ। और गाइस रिंग रिंग जा रही है, अब देखो उठा ले फोन। बेल तो जा रही है, ये कॉल उठाने में बहुत चोर है, कॉल नहीं उठाता किसी की भी, वैसे भी नहीं उठाता कॉल किसी की। उठा ले, मेरा प्रैंक हो जाएगा पूरा। गाइस नहीं उठाई कॉल, एक बार और ट्राई करती हूँ, ये प्रैंक के चक्कर में पार्थ इतना तंग कर रहा था मेरे को, अब उठा ले कॉल यार। कॉल जा रही है। हेलो 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 शिवा, आप शिवा बोल रहे हो? हेलो हेलो कौन? हेलो गाइस काट दिया, गाइस काट दिया कॉल, और वो मुझे पहचान रहा था कि मेरी आवाज है नायरा, वो मुझे पहचान रहा था मामा, वो ना आवाज पहचान रहा है मेरी। मैं फिर दोबारा कॉल करती हूँ गाइस। चंद टैग नंबर का उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले प्रावा, चक ले फोन वीरे, चक ले फोन में, चक ले, चक ले, चक ले। गाइस जल्दी से, हाथ में आने वाला लड़का नहीं है ये, बहुत चंट है ये। हाँ ठीक लिख रही हूँ, आगे लिखो आगे लिखो। गाइस नायरा पीछे पढ़ रही है मेरे बैठ के, तो वही होमवर्क दिखा रही हूँ मम्मा, सही लिख रही हूँ मैं? गाइस आज का मैंने हमारा फोन हाल से बाल टेक बाल देखे से उड़ रहे हैं। मम्मा उल्टी रहती है, मेरी बात मेरी कथा रही।
का स्टंट बन रहा है, ये उठा नहीं रहा फोन अब। जल्दी उठा जल्दी उठा जल्दी उठा 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 उठा। गाइस नहीं उठा रहा फोन ये। हेलो हेलो, मैं मुस्कान बोल रही हूँ, मुस्कान शर्मा। मैंने आपको इंस्टा पे देखा था। हेलो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ सर। हेलो गाइस, काट दिया उसने कॉल, कॉल काट दी। बहुत गुस्से वाला है वो, गुस्सा हो गया होगा। हेलो हेलो, मैं आपका नंबर मुझे किसी ने दिया है सर। मैं आपको नाम नहीं बता सकती, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ सर। अच्छा, आप कब फ्री हैं मिलने के लिए? भाई साहब गुस्सा, भाई का गुस्सा हो गया गाइज, भाई गुस्सा हो गया है। तो गाइज आज का प्रैंक होता है सक्सेसफुल, और मेरी तरफ से तो प्रैंक सक्सेसफुल हो चुका है गाइज। उनको डाउट तो हुआ लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पाए कौन है कौन नहीं है, तो बाप रे कॉल मैसेज करे जा रहे थे वो लोग कि ये क्या तेरी आवाज थी। तो गाइज मुझे प्रैंक करके बहुत मजा आया, और उन दोनों के मन में क्या चल रहा है प्रैंक कॉल के लिए वो उनको पता। तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया अपने ब्लॉग को। तो गाइज आप लोग कल मेरे ब्लॉग को देखना 9 बजे, तो आपको भी मजा आएगा प्रैंक कॉल के ऊपर। तो गाइज करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।